वार्ड 16 कुरुद में 10 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को रोकने नगर निगम की टीम द्वारा कार्यवाही की गई। टीम द्वारा मार्ग संरचना को ध्वस्त कर मौके से 60 ट्रिप मुरुम भी जब्त किया गया। वार्ड 14 कुरुद में भू माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करने नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता जेसीबी हाईवा आदि के साथ मौके पर पहुंचा। टीम ने कौशल गार्डन के पीछे बड़े स्तर पर अवैध तरीके से प्लाटिंग करने के लिए मुरुम से बिछाई जा रही मार्ग संरचना को ध्वस्त किया, साथ ही 60 ट्रिप मुरुम को जब्त करने कार्रवाई की गई। अवैध कब्जेधारी द्वारा 10 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के उद्देश्य से डीपीसी लेवल एवं चूना मार्किंग की गई थी। निगम की कार्रवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखंड का दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं हुआ। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। अवैध प्लाटिंग को लेकर कुरुद में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो कि विगत 4-5 दिनों से चली आ रही है। कार्रवाई में जो खसरा का नंबर है वो प्रतिबंधित करने के लिए, उस पर रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र जो है प्रेषित किया जाना है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मुरुम जब्ती का काम वहाँ चल रहा है और अवैध प्लाटिंग वाले जो कारोबार करने वाले ऐसे जो लोग हैं उनकी पतनसाजी की जा रही है, ताकि उन पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जा सके। निगम का जो अमला है वो जेसीबी और हाईवा के साथ पहुंचकर जो मार्ग संरचना है डीपीसी लेवल जो निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, और अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई के निर्देश जो है वो आयुक्त महोदय ने दिए। बहरहाल अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान निरंतर जारी है, बावजूद इसके शहर में जगह जगह अवैध कब्जे और प्लाटिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।